हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है और आज हम समझने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कि पॉलिटी में आपको मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, आज उसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसको आपको समझना होगा। ठीक है, इन डिटेल आप समझ लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ये आपके एग्जाम में कि विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको चार पॉइंट दे देंगे जिसमें एक रहेगा आप लेकिन नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि इंटीग्रेटेड एंड डिपेंडेंट जुडिशियरी, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, आपको लगेगा कि ये है लेकिन वो होगा नहीं। सिमिलरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या होगा कि चार ऑप्शन में से तीन आपको होंगे और एक फीचर नहीं होगा, तो वो आपको टिक करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कि यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दी है। ऐसा नहीं है कि दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट और इसके बाहर कुछ नहीं है, बट इस मतलब आपके लिए जितना जानना है आपको यही इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपके काम का कुछ है नहीं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज़, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ। ठीक है, एक्चुअली ओरिजिनली मैंने आपको बताया था ना, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल था। अभी वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मोर और लेस लगभग 450-470 के अराउंड आर्टिकल्स हैं, प्लस कहीं 448 दिखेंगे आपको, कहीं 470 दिखेगा, लेकिन जो बुक्स हैं उसमें मेजॉरिटी आपको बुक्स में, इंपॉर्टेंट बुक्स में 470 आर्टिकल्स दिए रहते हैं। 470 कहने का मतलब कि जैसे पार्ट्स उसके अंदर डाल दिए जाते हैं ना, कि जैसे 51A डाल दिया गया इस तरह से। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स हैं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे 22 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, लेकिन फिर आपको 4A डाल दिया गया, 14A डाल दिया गया, इस तरह से जुड़ गए हैं। साथ में अभी 12 जो है आपके टोटल हमारे स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, 8 शुरू में थे, अभी 12 हैं। 9th लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 10th एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 73rd और 74th के द्वारा 11th और 12th स्केड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, 1992 में। तो ये है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब बहुत सारे, एक देखिए दो तीन कारण भी थे। एक तो इंडिया एक ज्योग्राफिकली बहुत वास्ट कंट्री है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया में, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि इतने डाइवर्स चीज़ों को, इतने डाइवर्स कंट्री को एक जगह ला के रख सके, यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना इतनी डाइवर्सिटी में, तो इसलिए भी ये बहुत लेंदी हो गया। प्लस कुछ हिस्टोरिकल रीजंस है, जैसे 1935 जो है ना, उसी के बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1935 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी बहुत बल्कि था। ये सारे रीजंस हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सोर्सेज से इसको लिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो कहाँ से, वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो जितने भी बहुत सारे देश हैं ना, उनमें जो जो चीज़ें अच्छी थी उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक जगह पे ला के उसको अडेप्ट कर लिया। ठीक है, और मतलब प्राउडली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि मतलब फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि प्राउडली वो भी कहा था कि इट हैज़ बिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन क्रिएटेड आफ्टर रैनसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से वहाँ से लेके कुछ ना कुछ इसको बनाया गया है। तो दिस इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फिर है तीसरा, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये एक्चुअली एक बैलेंस पे चलता है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड है इन द सेंस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो रिजिड है कि इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को अमेंड कर देना। ठीक है, और एट द सेम टाइम इतना भी टफ नहीं है कि ना हो सके, इतना आसान नहीं है कि कुछ भी, हर कुछ जो है चेंज कर दे। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते, मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, केस याद कर ले, क्वेश्चन आ सकता है। तो
एक तो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो आप छेड़ नहीं सकते, और भी जितनी चीजें हैं ना आप कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी अमेंड इजीली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है कि आप हर चीज बदल दो, और इतना भी टफ नहीं है कि आप कुछ ना बदल सको। देखिए सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, इवॉल्विंग सेल्फ इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है एक तरह से, बिकॉज अब 1950 में हमारे जो नीड्स थे वो अभी नहीं है ना, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, बहुत सारी चीज़ें आई, तो हमें उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ना डेली लाइफ में। चेंज जो है वो वही तो एक नियम है जो कि दैट विल नेवर चेंज, चेंज इज द अनचेंजिंग नेचर ऑफ टाइम। हर चीज़ चेंज होगी, सिर्फ चेंज चेंज नहीं होता, कहने का मतलब चेंज इज बाउंड टू हैपन, अब उसके हिसाब से हमें अडेप्ट करना है। तो इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने फार साइटेड थे कि उन्होंने सोचा इस चीज़ को, और ऐसा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को कि बहुत सारी चीज़ों को आप, कुछ चीज़ों को आप सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर, सिंपल मेजोरिटी से आप उसको अमेंड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, साथ में रेटिफिकेशन स्टेट्स का भी लगता है। तो इतना भी इजी नहीं है इसको चेंज करना कि आप सब कुछ चेंज कर दो, और इतना भी टफ नहीं है इसको चेंज करना कि कुछ भी चेंज ना हो। दैट्स वाई ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका कहने का मतलब, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट के और सब एक साथ हारमनी में काम करते हैं, इन टैंडम काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शुरू शुरू में डुअल पॉलिटी थी, सेंटर और स्टेट। फिर 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1992 में, तो उसने एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट तैयार कर दिया। तो अभी क्या है कि अब देखो तीनों जो गवर्नमेंट के फॉर्म टीयर है ना, तीनों आपस में मेल जोल के साथ काम करते हैं, सेंटर हो, स्टेट हो, और या फिर जो पंचायती राज या म्यूनिसपैलिटीज हो, ठीक है। तो इस तरह से फेडरल सिस्टम तो है, ये तो पता चल गया आपको। फेडरलिज्म मैंने बताया आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के वो एक साथ काम करते हैं, मतलब एक हारमनी में काम करते हैं, ठीक है। और यूनिटरी बायस का मतलब कि सेंटर बहुत स्ट्रांग है ना, हमारा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, साथ में सिंगल सिटीजनशिप भी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कुछ यूनिटरी बायस है। मतलब सेंटर, चूंकि सेंट्रल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है, हमारा जब देश जो बना तो क्या हुआ था, 545 रियासतें थी, सबको हमने, हमने के मतलब कि वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने एक तरह से उसको, एक तरह से एक जो कंट्री फ्रैगमेंट्स में बटी हुई थी उसको एकजुट किया, ठीक है। क्योंकि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो तीन ऑप्शंस दिए गए थे हर एक रियासत को, हर एक जो स्टेट्स है ना, छोटे छोटे स्टेट्स जो थे इनको ये दी गई थी तीन ऑप्शन, इंडिया के साथ जुड़ जाओ, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। अब उसको जोड़ना कितना कठिन था और उन्होंने किया, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि ये टूट ना जाए, इसीलिए एक स्ट्रांग सेंटर के बारे में रखा गया, एक स्ट्रांग सेंटर बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। चौथी, फिफ्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है ना, कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आया, ये है ब्रिटेन का मॉडल, और यूएस का मॉडल क्या है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप जो देखते हो ना कि एक रियल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, और रियल कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। तो ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे मेजोरिटी पार्टी की रूल होती है और दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन का, ठीक है। चलिए, जैसे ये जो है ना, ये चीज़ जो है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये कहाँ से आया है, ये ब्रिटेन से आया है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी ये कहाँ से है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे जो है ना जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकती हैं कि सही है गलत है इसके लिए। अमेरिका में क्या है कि इसका स्कोप बहुत वाइड है, इसीलिए वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी, उसको मानते हैं कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा वहाँ सुप्रीम है। एट द सेम टाइम और भी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो कि ब्रिटेन में है, कि पार्लियामेंट जो है बहुत पावरफुल है। इंडिया में बैलेंस बनाया गया, मैंने बोला ना इंडिया हमेशा से, जैसे गौतम बुद्ध बोल के गए, हमेशा से आप अगर गीता में भी देखोगे तो श्री कृष्ण जो है ना मध्यम मार्ग की बात करते हैं, गौतम बुद्ध भी मध्यम मार्ग की बात करते हैं, ही यू शुड नॉट लिव इन एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आप बीच से एक मध्यम मार्ग निकालो, हमेशा कोई भी लाइफ जीने का तरीका यही है मध्यम मार्ग। इंडिया भी इसी में है कि जो भी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे ना उसको बैलेंस करके चलता है। तो ये चीज़ दिखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो है, पार्लियामेंट मतलब अपने लॉज बना सकता है, उसके ऊपर कोई अलग से प्रेशर है नहीं, पावर कोई और नहीं है जो उसको गवर्न करें, तो पार्लियामेंट अपने लॉज खुद से बनाएगा। एट द सेम टाइम जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, जुडिशरी उन लॉज को रिव्यू कर सकती है,
और अगर इफ दे आर कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर जो कोर्ट्स को पता लगे कि ये जो है गलत है, ये चीज़ गलत हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ है, तो उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारे कंट्री में बनाया गया है, क्या इसको बनाया गया, एक तरह से सिंथेसिस बनाया गया, एक बैलेंस बनाया गया। और चीज़ें जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करूँ अगर, तो जैसे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी में और चीज़ें जैसे आ गई कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के लिए आप केस कर सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो हाई कोर्ट जा सकते हो लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया विच इज़ टेकिंग अवे, विच इज़ इन वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, आप सीधा डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और केस कर सकते हो, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को निरस्त भी कर सकती है। तो देयरफॉर जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात हुई। फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये क्या है हमारे जुडिशियरी में, क्या है जैसे हमारे गवर्नमेंट में क्या है कि इंटीग्रेटेड नहीं है, सेंटर अपने स्फीयर में प्राइम सुप्रीम है, स्टेट अपने स्फीयर में सुप्रीम है। तीन तरह के लिस्ट हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वही लॉज बना सकती है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है, इन रेलवेज, इसके ऊपर लॉज जो बनाएगी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती इस पर। फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जो है ना, कुछ उसके पास भी कुछ पावर्स हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही, पुलिस जैसे, इसके ऊपर लॉ जो बनेगा ना सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं बहुत एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो अलग केस है, इन जनरल सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं होता। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट कि उस पर दोनों मिलकर बना सकते हैं, सेंटर चाहे तो सेंटर भी बनाए, यूनियन चाहे तो यूनियन भी, सॉरी स्टेट चाहे तो स्टेट भी। तो सेंटर भी सुप्रीम अपने स्फीयर में, यूनियन स्टेट अपने स्फीयर में सुप्रीम है, बट ऐसा मतलब आप नहीं बोल सकते कि स्टेट जो है वो मतलब कि सबऑर्डिनेट है इसका सेंटर का, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में चलता है, इसीलिए फेडरलिज्म। लेकिन जुडिशरी अलग है, इंटीग्रेटेड है, मतलब टॉप पे बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जितने हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कैसे, तो एक तो फिक्स टेन्योर है, जजेस 65 साल में रिटायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, 65 साल में रिटायर करेंगे हाई कोर्ट के, ये फिक्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हो, जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में वो नहीं कर सकती। तीसरा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर वोटिंग लेजिस्लेचर नहीं करती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुडिशरी चाहे अगर जुडिशरी की बात कोई नहीं मान रहा है, ठीक है, कोई चीज़ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जुडिशरी इशू कर सकती है, मतलब कि आपने मेरे कोर्ट के जो भी मैंने फैसला दिया उसको नहीं माना, इसलिए यू आर गिल्टी, और उस हिसाब से पिनलाइज किया जा सकता है। देयरफॉर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक चीज़ क्या है, 3-tier गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ये दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिर्फ इंडिया में। कौन, क्या 3-tier गवर्नमेंट, मतलब एक तो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अभी बीजेपी की सरकार है ना, पता है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीए की सरकार जिसे जो है, ठीक है, यूपीए अलग है, एनडीए अलग है, ठीक है। फिर स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में अपनी सरकार है, तो सेंटर, स्टेट, और 3rd tier में अपना आ गया जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट से आए थे 1992 में, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, और यही 11th और 12th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 3-tier गवर्नमेंट। सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता है इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यूएस में क्या होता है कि एक वहाँ दो सिटीजनशिप मतलब कि अलाउड है, एक स्टेट का अपना और एक जो है पूरा यूएस का, इंडिया में ऐसा नहीं है, एक ही सिटीजनशिप है। और आप अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो, सपोज करो द डे यू अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है, योर सिटीजनशिप विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आप जिस दिन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो, इंडियन सिटीजनशिप आपका डायल्यूट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उसी दिन, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन रह सकते हो। नहीं तो अगर जैसे आप इंडिया के सिटीजन हो, आप कनेडियन आपने सिटीजनशिप ले ली, अक्वायर कर ली, जैसे आपने ली यहाँ इंडियन सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं, 18+ जितने भी लोग हैं वो सब के सब वोट कर सकते हैं MP के चुनाव में, MLA के चुनाव में, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि 18+ जितने लोग हैं वो अपनी सरकार खुद चुनते हैं वोट देके, रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं वोट देके।
तो दिस इज अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू। आप मॉड्यूलेशन से जुड़ सकते हैं, आप एक मॉड्यूलेशन CUET 2024 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ सारी चीज़ें अपडेट होते रहती हैं। प्लस आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो 9015781999 पर कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको CUET के कोर्स के बारे में सारी जानकारी अवेलेबल है। आपको वहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको बेस्ट क्यूरेटेड मटेरियल्स मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको अच्छे क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर कर दें और फॉलो करें हमारे चैनल को। प्लीज़ इतना करें ताकि हमारे लिए ये एक तरह का फीडबैक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि ये आप कुछ चाहते हो, कोई वीडियो हम बनाएं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्टर फॉर अस। ठीक है, हम जो है ना बूस्ट हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।